तो यार मैं सोचा था इंट्रो लाइन चेंज करने की, तो अगर कोई सी भी अच्छी इंट्रो लाइन अगर आपको लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अगर अच्छी लगेगी मुझे तो मैं अगली बार से वही बोलने वाला हूँ। तो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं ब्लिट्सवुल BWF3 ब्लूटूथ स्पीकर की। तो देखते हैं कैसे हैं। तो यार चलो अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ पार्टी का एक इंतजाम। तो यार मेरे को मालूम है पार्टी करने वाले क्या क्या करते हैं। तो उसको चाहिए रहता है एक स्पीकर, मोबाइल और हाथ में तो चढ़ी हुई रहती है चढ़ाने के लिए, तो मत चढ़ाना। लेकिन आज मैं आपके लिए लाया हूँ ब्लिट्सवुल के BWF3 ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। तो इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू है, तो बाकी तो कुछ नहीं है, बस इसको आप जाके बाय कर सकते हैं Banggood.com से 1700 और अमेज़ॉन से 2000 रुपीज़ तक का। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। बैंगूड के लिए आपको मैं कूपन कोड दे दूंगा, तो आप वहाँ से अप्लाई करके करीबन 300 रुपये का कूपन कोड लगा सकते हैं। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स में कुछ है नहीं, बस आपको फ्रंट में पहले से ही स्पीकर मिलता है। और स्पीकर की फील की बात करो तो काफ़ी इनहेल फील, बिल्कुल रगड़ा प्रूफ है। कहीं पे भी फेंक दो, कहीं पे भी कुछ भी कर दो, लेकिन टूटने लायक तो लगता नहीं है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच है। और इसके कंटेंट की बात करो तो आपको फिर से निंजा हथौड़ी की ब्लेड मिलती है, तो फेंक देना है इसको। और साथ ही साथ आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है, साथ ही साथ आपको ऑक्स केबल मिल जाती है 3.5 mm, जिससे आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर को अपने ऑक्स से या टीवी से या फिर मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलती है यूज़र मैनुअल, जिसमें लिखा हुआ है डस्ट प्रूफ, रगड़ा प्रूफ और जो भी वाटर प्रूफ है ये सब दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सा स्पीकर है। तो चलो आपको इसके बारे में पूरा बताता हूँ मैं। तो यार फर्स्ट हैंड फील की बात करूँ तो मेरे को फर्स्ट हैंड फील में ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी अच्छा लगा। अगर इसके वेट की बात करूँ तो वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, करीबन 400 ग्राम तक का आपको वेट लगता है। और साथ ही साथ ये IP5X वाटर सर्टिफाइड भी है, तो इसको कहीं पे पानी में फेंक दो कुछ नहीं होने वाला। और साथ ही साथ आपको इसमें मिलती है 2000 mAh की बैटरी, जो कि कभी करीबन आपको 8 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देती है। जो भी आप म्यूज़िक, लेकिन इतना तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा सा प्लेबैक टाइम दे देती है आपको। और करीबन इसको चार्ज होने में कभी टू एंड हाफ आवर लग जाते हैं चार्ज होने में। तो बाकी तो स्पीकर की बात करो तो काफ़ी इनहेरेंट फील में काफ़ी अच्छा लगता है स्पीकर। और तो मैं आपको इसके कनेक्ट करके बताता हूँ कि आपको कनेक्ट कैसे करना है और इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो यार आपको ऊपर से पावर बटन मिलता है, एक वॉल्यूम प्लस बटन मिलता है, वॉल्यूम माइनस बटन और कॉल उठाने का। तो अगर आप वॉल्यूम प्लस बटन दबाए रखेंगे तो आपका आगे का गाना चलेगा, वॉल्यूम माइनस पे बैक जाएगा गाना। और अगर आप डबल बार कॉल उठाने वाला दबाते हैं तो आपका जो लॉस्ट लास्ट कॉल लगाया था आपने, वो वाला आपको कॉल लग जाएगा। इसमें आपको स्ट्रैप मिल जाता है, नीचे साइड आपको ट्राइपॉड का माउंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अजीब सी बात है। राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑक्स केबल का इनपुट मिल जाता है और माइक्रो यूएसबी से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ है। और इसके एक स्पेशल बात बताना चाहता हूँ। तो इसके एक स्पेशल बात यह है कि इसके जो भी स्पीकर हैं वो वाटरप्रूफ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसके स्पीकर बिल्कुल उल्टे रखे गए हैं, और कई सारे स्पीकरों में फ्रंट रहता है इसलिए वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जैसे आपको इसमें कनेक्ट कर सकते हो, कैसे भी करके ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, ऑक्स से कनेक्ट कर लो। इसके स्पीकर दूसरे साइड है, तो यदि आप पानी भी डालते तो वो स्पीकर के पावर से पानी बाहर निकल जाता है और स्पीकर को ज़रा सा भी डैमेज नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है, और ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं करना हो तो यार आप ऑक्स से भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करा है और आपको बता देता हूँ कि ये कैसे। इसमें आपको ब्लूटूथ 4.0 मिलता है का कनेक्शन, जिससे आप कर सकते हैं कनेक्ट अच्छे से। तो यहाँ पे और अगर आपको आपके पास ब्लूटूथ नहीं हो तो अगर आप ऑक्स केबल भी डाल सकते हैं, जिससे आप अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कई सारे एम्पलीफायर जो भी आते हैं आपके DVD, तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब यदि आप ऑक्स डालेंगे तो इसका जो कि इंडिकेशन है वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, और चार्जिंग के टाइम इसका इंडिकेशन रेड हो जाता है। तो यार मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, तो मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बता ही देता हूँ। निशाने सीधे मार।
पता है मैंने क्या बोला? चरस गैया मेरे को प्यारा, चरस गैया मेरे को, चरस गैया मेरे को प्यारा, चरस गैया मेरे को प्यारा, यो यो बंटा रैपर। चाहे इंडोर साउंड क्वालिटी की बात करो तो इंडोर साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं आपको इसकी आउटडोर साउंड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये आउटडोर में यदि आप बाहर ले जाते हैं तो ये आपको कैसी साउंड प्रोड्यूस करके देता है। अब बात करते हैं इसकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में जो कि है वाटरप्रूफ। तो अब मैं इसको गाना चलाते वक्त इसके ऊपर से पानी डालूंगा, तो थोड़ा थोड़ा ही डालूंगा क्योंकि ग्लास है मेरे पास, तो बता देता हूँ। अब स्पीकर को तो साइड में रखना ही पड़ेगा और इसको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी तो बहुत ही ज्यादा मारने वाली है। तो यार मैं साफ कर लेता हूँ। तो इसकी साउंड क्वालिटी सुन के तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, इतना तो ह्यूमन का दिमाग आप में भी है। तो आपको कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया जल्द से वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नए हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देना, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दिया है तो बेल आइकन होगा, नहीं तो फिर बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं आने वाली है। तो लास्ट में कहूँगा जय हिंद जय भारत गुड बाय।